सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत टाइम बाद हम ब्लॉग बनाने बने हैं। लाइक लास्ट ब्लॉग मैंने बनाया था दिसंबर में और एडिट करके अपलोड किया था मई में। उसके बाद डायरेक्टली एक साल बाद में दिसंबर में फिर से एक ब्लॉग बनाऊँ। अभी सुबह के बजे 6:30। अब हम जाएंगे शॉर्ट राइड के लिए, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही जाएंगे। अराउंड 50 किलोमीटर्स गो एंड 50 किलोमीटर्स कम। तो ये ब्लॉग में बताऊंगा कि इतना टाइम बाद में ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, और सबसे मेन चीज़ भाई, बाइक क्यों नहीं ली? लाइक क्या हुआ R15 को? ड्यूक 390 क्यों ली? और यहाँ से सीधा KTM के बारे में हम बात भी करेंगे ऑन द रोड। तब तक मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ ओवरव्यू ऑफ द बाइक। हमारा बाइक है ड्यूक 390 Generation 2, इट्स नॉट Generation 3। हमने लगाया है एक्रा पोवी के एग्जॉस्ट, विच इज़ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। वो हम आगे बताऊँगा जब सुबह थोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी के लिए फोटो निकलते हैं, बहुत टाइम पास हो गया। पहले मैं एक अपोलॉजी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अभी कैसा आवाज़ आ रहा है और कैसा मतलब व्यूइंग एंगल है GoPro का। बिकॉज़ अभी मैंने मेरा सब एसेसरीज निकाला ऑलमोस्ट अ ईयर बाद। इससे पहले मैं Insta360 यूज़ करता था, वो तो है ही अपने साथ। अभी GoPro मैंने बहुत टाइम बाद निकाला है। ऑब्वियसली अगर GoPro बहुत टाइम बाद निकालूंगा तो एसेसरीज भी बहुत टाइम बाद निकालूंगा। एंड लकीली इट इज़ वर्किंग फाइन। इतना टाइम बाद व्लॉगिंग क्यों चालू किए? मैंने कोई ब्रेक लिया था और कुछ ऐसे रीज़न रहे क्या? तुम लोग सोचते रहेंगे ऐसा। बिकॉज मैंने बिना बताए व्लॉग छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट अ ईयर। अरे भाई नाकाबंदी है, 90% नहीं रुकाएंगे। हालांकि मुझे रुकने का कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे ही कंटेंट मिलेगा। They won't think that I am in this chain snatcher. हालांकि सोच भी सकते हैं क्योंकि I am in completely black attire. तो मैंने vlogging क्यों छोड़ दी? तो vlogging actually मैंने छोड़ी नहीं थी, वो मेरे साथ बना ही नहीं बात। The one thing you are looking at right now is not a money making business for me. At least for now, maybe in the future. इसलिए मैंने as such break नहीं लिया, but मुझे time ही नहीं मिला। If you have seen one thing in the first 1-2 minutes, you would must have observed one thing, कि there is a sticker on the bike. हाँ, उसकी वजह से ही मुझे नहीं मिला। Actually I was studying for my law exam, final year में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद I completed my law, then law के बाद हमें लाइसेंस चाहिए, सनद बोलते हैं उसे, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़ना नहीं पड़ता बट पढ़ना तो पड़ता ही है, तो वो एग्ज़ाम के लिए भी टाइम गया। बेसिकली मेरा 3rd ईयर और AIB का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैंने ये सब छोड़ दिया। बट मेरे राइड्स नहीं रुके, मैं स्टोरीज भी डालता था इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा, मेरे रील्स और शॉर्ट्स तो थे ही। सो एटलीस्ट मेरा एट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चालू तो रहेगा। उस हिसाब से मैंने शॉर्ट्स और रील पे ज़्यादा फोकस किया। जस्ट फाइन मैन, वो फेस आया भी था कि रील्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। दैट इज़ द फेज वन ऑफ माई लाइफ। फेज टू इज़ दस। आई मीन इन फेज वन सूर्या भाई अपना पैसे ऐसे उड़ाता था, जो भी लेना है, जो भी दिमाग में सोचा ले लिया ऐसे। तो फेज़ वन बहुत चिल था। अभी फेज टू में ऐसा सीन हुआ है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरी है मेरे पर लिटरली। एंड इवन आई बिकेम नाउ 23, तो अभी हीरोगिरी का ही टाइम है। ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे फ्यूचर में एम्स 2-3 हैं जो मुझे कम्प्लीट करने ही है बिफोर आई कम्प्लीट माई 30s। फिर तूने ड्यूक 390 क्यों ली? दिस इज मेक सेंस, बिकॉज R15 काफ़ी अच्छा खासा माइलेज देते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो बाइक मुझे 44-45 का माइलेज देती ही देती थी। सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम थी, 1500-2000-3000 में सर्विस होता ही था मेरा। बट इन ड्यूक 390 इज द थिंग्स आर डिफरेंट। इसका मिनिमम ही सर्विस कॉस्ट 3-4000। चालू हो जा सिम। नो SD कार्ड, अभी रिकॉर्ड करके बताऊँ क्या? अभी कैसे रिकॉर्डिंग चालू हुआ? हाँ, नॉटी हो रहा है क्या? हाँ नॉटी हो रहा के। तो यार मैंने ड्यूक 390 क्यों ली? और ड्यूक 390 हालांकि R15 में कुछ गलती नहीं थी। R15 इज द टॉप ऑफ द लाइन बाइक, वो सेगमेंट किलर है। 150cc में अगर कौन सी बाइक 155 जाती है तो वो R15। आफ्टर यूजिंग अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और जब वो VVA किक इन करता है, तब जो साउंड आता है ना भाई,
इनलाइन टू को बीट कर देगा वो साउंड। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट लर्निंग बाइक यू कैन स्टार्ट विद R15 वेरी इजीली। लाइक तुम दो तीन दिन में ही वो बाइक सीख जाओगे। मैंने R15 भी उसी वजह से ली थी क्योंकि वो सेगमेंट किलर थी बाइक, और ड्यूक 390 भी उसी वजह से ली कि ये सेगमेंट किलर है। आई सोल्ड इट पर्सनली बिकॉज मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मैं सिटी में बहुत आराम से यूज़ कर लूँ। पिलियन कंफर्ट चाहिए। मेरा तीसरा मोटिव था कि पावर और फीचर्स चाहिए। मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि वाई आई चेंज माई बाइक, वाई आई अपग्रेडेड माई बाइक। इतना बुरा माइलेज नहीं देती है, एटलीस्ट 23, 24, 25 तो देती ही देती है। एंड माई ऑफिस इज़ नॉट दैट फार, माई ऑफिस इज जस्ट 9 kilometers अवे फ्रॉम मी, 9 to 12 kilometers। तो उस रेडियस में आई थिंक इट्स वर्थी टू गेट दिस बाइक, एंड आई जेन्युइनली एंजॉय इट अलॉट। अभी तो इसमें स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी लगा है तो भाई बहुत मज़ा आता है। मेरे एक दोस्त ने भी अपग्रेड किया, हालांकि हम दोनों एक ही टाइम पे अपग्रेड करने वाले थे, बट ही गॉट अ बेटर डील बिफोर मी। सो ही बॉट Z1000, हिज नेम इज़ गॉड स्पीड। यू मे नो हिम ऑन इंस्टाग्राम एज अ भाई, नज़र हटी दुर्घटना घटी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ द KTM इज ब्रेकिंग। आई जस्ट क्लिक स्लाइटली, ठीक है, और बाइक रुक भी गई। पीछे से कौन होने को हॉर्न बजा रहा था। एनी वे सो दिस इज़ वाई आई लव ड्यूक 390। जस्ट थ्रॉटल मैन, यू डोंट हैव टू थिंक सेकेंड टाइम। लास्ट 1400 kilometers। फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइक का बेस्ट है पावर, ठीक है। यू गेट 390cc डिस्प्लेसमेंट, 373 डिस्प्लेसमेंट टू बी प्रिसाइज। अच्छा खासा पावर मिल जाता है। इवन इफ़ यू गो विद अ पिलियन यू गेट प्रीटी गुड पावर एंड द माइलेज एज वेल। दूसरा पॉइंट है, गाड़ी में है क्विक शिफ्टर। भाई क्विक शिफ्टर जो है ना भाई, बहुत मज़ा आता है। लाइक सिटी में आई राइड लिटरली स्ट्रेस फ्री। ये देखो थर्ड, फोर्थ, इजीली शिफ्ट करो विदाउट यूजिंग क्लच, एंड विदाउट यूजिंग क्लच यू कैन डू डाउन शिफ्ट एज वेल। प्लस पॉइंट है इज सिटिंग पोजिशन, बहुत अपराइट है, कभी हाथ में पेन नहीं होता था जो R15 में बहुत ज़्यादा होता था। क्विक शिफ्टर मैन, एंड एवरी टाइम वी डू क्विक शिफ्टर ना दिस बाइक शूट्स अ बैक फायर। थोड़ा सा ही स्पीड रन किया, ज़्यादा नहीं, बिकॉज रोड्स नहीं मिल रहा है ओपन। बट आई कैन पोस्ट अ वीडियो वेयर आई क्लिक्ड व्हेन आई क्लॉक्ड 150 kilometers पर आवर। फोर्थ पॉइंट TFT डिस्प्ले मैन, TFT डिस्प्ले में आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, गाना चेंज कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल TFT। लाइक उसमें हम ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी स्लिमलेसली। और जो लोग आपको देखते हैं ना आजू बाजू में, वो भी देखते रह जाते हैं कि भाई ये बाइक में तो मोबाइल जैसा डिस्प्ले है भाई, क्या है बाइक का। बेस्ट पॉइंट इज द लुक, इट लुक्स वेरी एरोडायनामिक, इट लुक्स शार्प, एंड जेन्युइनली भाई इन ड्यूक लाइन अप बहुत लोगों को जेन 2 ही पसंद है। जेन 3 भी सही है क्योंकि जेन 3 में फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट जेन 2 है भाई। पॉइंट क्या हो सकता है ये बाइक क्या रहे। एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वेरी अनप्रिपेयर्ड ब्लॉग। आई जस्ट वोक अप एंड आई ओपन माई GoPro, आई केप्ट इट ऑन चार्जिंग इन द मॉर्निंग एट 3 AM, एंड आई वाज लाइक चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। अरे आगे एक टोल है जिधर मैं मोस्टली मेरा राइड एंड करता हूँ और एक स्टोरी लेता हूँ, फिर इधर से मैं मोस्टली घर जाता हूँ। आगे थोड़ा हम आगे जाएंगे क्योंकि मुझे थोड़े बात और करनी है अबाउट दिस बाइक। ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा ही आगे जाएंगे फिर यू टर्न एंड घर पे। सो गाइस दिस इज़ माय बाइक, एंड ये 2020 का बाइक है और इसमें मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशंस एंड वन ऑफ माय फेवरेट मॉडिफिकेशंस इज द एग्जॉस्ट। इट्स अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, इट इज़ नॉट दैट लाउड लाइक द R15 में जो था, थोड़ा कम लाउड है एंड बेस ही है बेसिकली। इट्स लाइक 50% स्टॉक एग्जॉस्ट एंड 50% आफ्टर मार्केट, ऐसा साउंड करता है। आई होप दैट मेक्स सेंस। द बेस ही है बेसिकली एग्जॉस्ट एंड स्लिप ऑन। यू कैन सी देयर इज अ कैटलिटिक कन्वर्टर हियर, ना बड़ा ढोलकी
देसी भाषा में. देन सेकंड मॉडिफिकेशन आई डिड इज दिस मिरर्स. ऑनेस्टली दिस मिरर्स का कुछ यूज़ नहीं है, मैंने बस स्टाइल के लिए यूज़ किया, मतलब लिए, क्योंकि मेरा मोस्टली सिटी रन रहता है तो सिटी में इतना यूज़ नहीं करते हम मिरर. एंड थर्ड इज दिस प्रोटेक्टेड लीवर्स, ये थोड़ा अच्छा है, मतलब बाइक को थोड़ा ब्रॉड लुक देता है. तो इन फ्यूचर हम क्या मॉडिफाई करेंगे इसमें, मेरे माइंड में क्या चालू है कि मेरा RC पे मेटालिक ग्रे लिखा है कलर, तो हम एक X3 किट तो मैंने मंगाया है तो हम लगाएंगे, वो भी ग्रे कलर का ही रहेगा. ये जो रिम्स है, रिम्स चेसिस एंड थोड़ा बहुत टचअप करूँगा ब्लैक का. माई ऑफिस इज एट नियर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मेरा डेली उधर जाना रहता है, तो मुझे ऐसा कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे फिर से RTO जाना पड़े, कलर चेंज करना पड़े यार, और फुकट का फाइन मरे, जो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए. एक थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ. दिस इज हाउ अवर ब्यूटिफुल Diablo 3.0 लुक लाइक. मेरा फर्स्ट बाइक था FZ V3 था, सेकंड बाइक था R15 V3. दिस कलर ऑफ ZX10R आई लव इट. यार आगे क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं देखेंगे. ऐसा है मॉडिफिकेशन करना है जो ओवर ना दिखे और ज़्यादा ही सिंपल ना दिखे. इट विल लाई समवेयर इन बिटवीन. थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं. If you ever want to get something in your life by your own, always don't get this phataka exhaust bhai. Helicopter lagta hai.